अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रयास विद्यालय की होगी शुरुआत, सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ में और बढ़ेगी ठंड, शीतलहर से चुटरा जशपुर, 3 डिग्री लुढ़का पारा। राजपुर में सीएम की घोषणा के बाद नहीं बना उप पंजीकरण कार्यालय, 3 महीने पहले हुई थी कार्यालय बनाने की घोषणा। बिलासपुर के सकड़ी गोलीकांड का खुलासा, प्रॉपर्टी विवाद बना हत्या का कारण, अलग अलग जगहों से 13 आरोपी गिरफ्तार। कोरबा में नलों से निकल रहा गंदा पानी, लोगों ने निगम प्रशासन से की है शिकायत, निगम द्वारा नहीं की जा रही कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों से। खबर रायपुर से, जहां जनता की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने लगभग 3 महीने पहले उप पंजीकरण कार्यालय बनाने की घोषणा की थी, मगर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी अभी तक उप पंजीकरण कार्यालय नहीं खुल सका है और शासन प्रशासन मौन है। सरगुजा खनिज विभाग के द्वारा जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर 50 टन से अधिक कोयला जब्त किया गया है। बता दें कि ग्राम गुमगरा के खाल कछार में अवैध रूप से गड्ढे खोदकर कोयले का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था। यहां सूचना के बाद सरगुजा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर खनिज व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गड्ढों को जेसीबी मशीन के द्वारा मिट्टी डालकर पाट दिया गया। साथ ही निकाले हुए कोयले को जब्त कर कुछ कोयले के ढेरों में आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। ये लखनपुर का गुमगरा एरिया है। कलेक्टर सर के निर्देशानुसार पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से, खनिज विभाग संयुक्त रूप से अवैध उत्खनन कोयले की शिकायत मिलने पर यहाँ कोयले का जब्ती तथा जो गड्ढा हुआ है उसको भर दिया जा रहा है, तब कोयले को नष्ट कर दिया जा रहा है। तक के मार्ग बहुत ही जर्जर है। इस जर्जर जमीन पर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हर जगह केवल मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही है। ये सड़कें 2 विधानसभाओं, एक विधानसभा समरी और दूसरी प्रतापपुर विधानसभा को जोड़ती है। साथ ही ये संसदीय सचिव मंत्री का क्षेत्र भी है और दोनों के क्षेत्र को रोड़ा का बुरा हाल है, पर प्रशासन का इस जर्जर जमीन पर कोई ध्यान नहीं। सत्ती के नवीन महाविद्यालय हसौदा में ग्राम टिमुडीहा में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आज 4th दिन था, जिसमें शिविरार्थियों एवं शिक्षक और वरिष्ठ शिविरार्थी का प्रभात फेरी में विशेष सहयोग रहा। शिविर में महिला सशक्तिकरण के बारे में शिविरार्थियों को विशेष रूप से जानकारी प्रदान कर सिविल परीक्षा का विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही हसौद थाना प्रभारी ने शिविरार्थियों को महिला उत्पीड़न और उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की और शिविरार्थियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी विशेष जानकारी प्रदान की गई। बलरामपुर के राजपुर राजस्व अंतर्गत सूचना के 2 महिला पटवारी ने एसडीएम से प्रताड़ित होकर आत्मदाह की चेतावनी दी है। महिला पटवारियों ने 50,000 मांगने का भी आरोप लगाया है। पटवारियों ने यह भी आरोप लगाया कि एसडीएम के द्वारा रात्रि तक महिला पटवारियों की बैठक ली जाती है और अभद्र व्यवहार किया जाता है। महिला पटवारी ने आपदा की चेतावनी दी है, एसडीएम पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। महिला पटवारियों ने दी है आपदा की चेतावनी। रायपुर से हमारे संवाददाता के आर गिरी हमारे साथ मौजूद हैं।
बलरामपुर के राजस्व अंतर्गत सूचना के दो महिला पटवारियों ने एसडीएम से प्रताड़ित होकर आत्महत्या की चेतावनी दी है, ये पूरा प्रकरण क्या है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के राजपुर का है और राजपुर में ये दो महिला पटवारी आरोप लगाए हुए हैं एसडीएम राजपुर के ऊपर, शशि चौधरी जी के ऊपर, जो कि शशि चौधरी जी का कहना है कि ये पूरा मामला झूठा है क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी मामला चल रहा है, वो मामला जांच पे है। उस जांच के कारण इन्होंने, विभागीय जांच जो चल रहा है उस जांच के कारण इन्होंने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया हुआ है। जांच अभी चल रही है और पटवारियों, दो महिला पटवारी जो अपने लिखित आवेदन के द्वारा जो उनके ऊपर आरोप लगाई हुई है, दोनों महिला पटवारियों ने 50,000 मांगने का आरोप लगाया है, अभी एसडीएम पे क्या कोई कार्रवाई हुई है? क्या उनकी जो प्रार्थना पत्र दी गई उस पे कोई संज्ञान लिया गया अभी तक? बिल्कुल, अभी तक किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ये उच्च स्तरीय जांच की विषय है, अब उच्च स्तरीय जांच के बाद ही ये सारा चीज का क्लियर हो पाएगा। जी गिरी, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरबा में SECL प्रबंधन की मनमानी से आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। कोल उत्पादन बढ़ाने के लिए खदानों में होने वाली ब्लास्टिंग के कारण रहवास क्षेत्र काफी प्रभावित होता नजर आ रहा है। हरदी बाजार से सटे अमगांव, मलगांव सहित सही ईसांग श्रृंगार का इलाका ब्लास्टिंग के बाद धूल की से पड़ जाता है। लाखों शिकायतों के बाद भी SECL प्रबंधन मनमानी पर उतारू है, जिससे लोगों का आक्रोश सड़कों पर उतरता जा रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ मौजूद है। आलोक, ब्लास्टिंग से रहवास क्षेत्र प्रभावित हो रहा है और जब ये ब्लास्ट किया जाता है तो पूरा क्षेत्र धूल से भर जाता है, आम जनता को उससे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या इसको लेकर कोई शिकायत या प्रार्थना पत्र दी गई है? अगर दी गई है तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? जी सर, हैवी ब्लास्टिंग के कारण धूल का गुब्बार उठ रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको हमारी प्राइम टीवी ने पहले भी ब्लास्टिंग के खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसमें लोगों के घरों में ब्लास्टिंग से धूल या नुकसान हो रहा था, जिसके कारण घरों में पत्थर चल जा रहे थे, जिसके कारण प्रकाश नुकसान हो रहा था। आलोक, जब ब्लास्ट किया जाता है तो धूल भी उड़ रही है, पत्थर भी उड़ते हैं और जाहिर बात है घरों पे जाके लगते भी होंगे, बच्चों को भी चोटिल हुए होंगे, क्या प्रशासनिक अधिकारियों से जब इसकी शिकायत की गई तो क्या इसका अभी तक कोई निराकरण किया गया? जी नहीं, कोरबा में SECL प्रबंधक की मनमानी से आम जनता को परेशानी अभी भी हो रही है, उसके कारण जो हरदी बाजार से हम गाँव में सहित सराई सिंगार का जो इलाका है, ब्लास्टिंग के धूल मिट्टी के चपेट में आने से लाखों शिकायतों के बाद भी SECL प्रबंधक की मनमानी उतराऊ है, जिससे लोगों का आक्रोश सड़कों पर उतारा जा रहा है। आलोक, जैसे कि विजुअल में हम देख पा रहे हैं चारों तरफ धूल का धुंध पूरी तरह से फैली हुई है और ये सांस लेने में लोगों को दिक्कतें भी हो रही होंगी, क्या स्वास्थ्य महकमा भी इसको लेकर संज्ञान नहीं ले पाए अभी तक? नहीं ले पा रहे हैं अभी तक, प्रबंधक से मनमानी अपने ही बताया जा रहे हैं। जी आलोक, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बलरामपुर जिले के राजपुर महुवारा पारा स्थित व्यवहार न्यायालय के सामने सड़क दुर्घटना में बाइक सवार सिर में चोट लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि राजपुर पुलिस के द्वारा यातायात को देखते हुए वेरिगेटर को लगा दिया गया था, लेकिन उसमें रेडियम तक नहीं लगाया गया और नगर पंचायत के द्वारा सभी वार्डों में लाइट की व्यवस्था नहीं की गई थी। कहा यह जा रहा है कि अगर लाइट की व्यवस्था की गई होती तो बाइक सवार की मौत नहीं होती।
कोरबा एसपी के निर्देश पर जिले भर में निजात अभियान चला जा रहा है, जिसके तहत जिले भर में नशीले पदार्थों की धरपकड़ में पुलिस लगी हुई है। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पुरानी बस्ती निवासी को 1.5 किलो गांजा के साथ धर दबोचा, लेकिन सप्लाई करने वाले और ग्राहकों को तलाशी जारी है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पुरानी बस्ती निवासी काली जोगी द्वारा अवैध रूप से गांजा की बिक्री की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा रेड किया गया, आरोपी से 1 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिससे आरोपी के खिलाफ पे NDPS की कार्रवाई कर उसे रिमांड में भेजा जा रहा है। सर, गांजा कहाँ से ला रहे थे? गांजा का लाने की जानकारी अभी प्राप्त की जा रही है। खबर कोरबा से, जहां CSEB चौकी से महज 2 कदम की दूरी पर निगम की दुकान पर आमजनों ने गाड़ी पार्किंग स्थल बना लिया है। आगे जाने वाले एक दुकान वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकान वालों का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार निगम में भी की जा चुकी है, लेकिन इस ओर से कोई भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोरबा के निवासी नल से आने वाले गंदे पानी से इन दिनों बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों ने लगातार शिकायत निगम प्रशासन से की, मगर वार्ड पार्षद और निगम द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोग गंदे पानी से ही दिनचर्या का काम निपटाने को मजबूर हैं। लोगों को निगम द्वारा पानी की उचित व्यवस्था करवाने का इंतजार है। खबर कोरबा से, जहां शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर एक पति ने टांगी से हमला कर अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जंगल में छिपा हुआ था। पुलिस ने काफी खोजबीन कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में धारा 307 का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के सीतापुर में पशु तस्कर काफी ज्यादा सक्रिय हैं और लगातार उनके द्वारा सीतापुर क्षेत्र में गायों और बैलों की तस्करी की जा रही है। ताजा मामला ग्राम पंचायत डेढ़ी टोली का है, जहां रात के अंधेरे में बैल तस्करों द्वारा पिकअप वाहन से गाय को लोडकर तस्करी किया जा रहा था, जिसे सीतापुर पुलिस ने तत्काल पहुंचकर गाय एवं पिकअप को अपने कब्जे में ले लिया, पर तस्कर वहां से भाग गए। इस मामले में डेढ़ी टोली के ग्रामीणों समेत गौ सेवा समिति सीतापुर और बजरंग दल के सदस्यों ने सीतापुर थाने में मामला दर्ज कराया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। मोबाइल फोन जरिए सूचना मिला कि ग्राम ठेकी टोली में कुछ तस्कर लोग मवेशियों को ले जा रहे हैं। सूचना पे थाना सीतापुर के स्टाफ द्वारा जाकर पकड़ा गया, जो उदय चौहान नहीं पकड़ाया, फरार हो गया। और आरोपी पिकअप जिसमें 7 नग मवेशी लोड थे, जिसे मौके से जब्त कर लाया गया है। आरोपी उदय चौहान एवं पिकअप के विरुद्ध धारा किसी पशु परिरीक्षण की धारा 4, 6, 10 कायम कर आरोपी की पतासाजी की जा रही है। बिलासपुर पुलिस ने पिछले दिनों हिस्ट्री सीटर संजू त्रिपाठी हत्याकांड के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संजू त्रिपाठी ने पिता पर संपत्ति के नाम करने के लिए दबाव बनाया था। इस प्रॉपर्टी विवाद में बाप बेटे समेत परिवार लोगों ने साजिश रची थी। आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी अलग दिशा में निकल गए थे, तो वहीं अभी तक पूरे मामले में पुलिस ने 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में शूटरों की पुलिस अब भी तलाशी कर रही है। डेफिनेटली एक चैलेंजिंग केस, संजू त्रिपाठी की हत्या 14 तारीख को हुई, उसी दिन से पुलिस इसमें लगी हुई थी। एक 22 सदस्यीय टीम भी इसके लिए गठित की गई थी, जिसके सभी मेंबर्स ने बेहद मेहनत करके टेक्निकल साक्ष्य के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। 3 प्रदेशों की पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन रहा है, जिसमें कि छत्तीसगढ़, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस का भरपूर सहयोग मिला है।
जो मुख्य आरोपी कपिल त्रिपाठी और जय नारायण त्रिपाठी, संजय जो संजू त्रिपाठी है उसका भाई और बाप, इस पूरे घटना के सूत्रधार हैं। कपिल त्रिपाठी अपने साथी सुमित निर्मलकर के साथ नेपाल भागने की तैयारी में था। इसको हम लोगों ने गोंदिया, भोपाल, इंदौर, दिल्ली से होते हुए, जब फाइनली ये दिल्ली से काठमांडू की बस में बैठ गया था, वहाँ पर हमने लखनऊ पुलिस की मदद से लखनऊ टोल गेट के पास बस से इनको गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त जो प्रेम श्रीवास इसमें मुख्य किरदार है, जिसने कि पिस्टल्स बरामद करने से लेके जो उत्तर प्रदेश के शूटर्स हैं उनसे संपर्क किया, कपिल ने इसको 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए। टोटल सौदा 10 लाख रुपए में हुआ था और 5 शूटर्स को बुलाया गया और उनसे घटना को अंजाम दिलाया गया। अभी बीजापुर में 3 दिन पूर्व पुसनार में सुरक्षा बल का कैंप खुला है, जिसका विरोध ग्रामीण कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है, तो वहीं मारपीट में घायल ग्रामीणों से मिलने भाजपा के पूर्व मंत्री महेश गणगड़ा दल बल के साथ पहुंचे और सुरक्षा का हवाला देकर पुसनार पुलिस ने पूर्व मंत्री को ग्रामीणों से मिलने से रोका। पुलिस के द्वारा रोके जाने से पूर्व मंत्री महेश गणगड़ा भी सड़क पर बैठ गए। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।